उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी लंबे पारी खेलने के लिए जाने जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जहां अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए वह तमाम सीटों पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे, कुछ सीटों पर जीत हासिल करेंगे, कुछ सीटों पर सरकार की ताकत को दिखाएंगे, क्योंकि ताकत इतनी ही है कि सरकार को हरा सकेंगे। उन्होंने साफ तौर पर एक और बात कहा है कि 2025 में वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले बयान को लेकर के बिहार में सियासी पाला गर्मा गया है, जहां एक तरफ विपक्षी दलों के नेता बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। मुकेश सहनी का वोट बैंक कितना है, कितनी प्रतिशत है और किस किस सीटों से मुकेश सहनी अपने आप को जीत हासिल करवा सकेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में वह पूरी तरीके से कह चुके हैं कि हम यहाँ संघर्ष करेंगे, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी के लोगों की जीत होगी, हमारे लोगों की जीत होगी और हमारा बेटा, हमारा मछुआरा समाज का बेटा इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए वह पूरी तरीके से साथ हैं। लेकिन अब इसी सवाल को लेकर के पूछा गया जब उनसे कि तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि वह इस तरीके की बातों को कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सोच भी इस पर कुछ बोलना बिल्कुल गलत है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। उनसे पूछा गया कि वो अपने आप को छोटे भाई के तौर पर बता रहे, तो उन्होंने कहा कि किसी का मैं मामा, किसी का मैं चाचा, किसी का मैं कुछ और किसी का मैं कुछ लगता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे कोई कुछ मानता है तो मुझे अच्छा है, मुझे मानना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की बात है तो इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस नाव को चलाने में लगे हुए हैं, जिस जगह पर वह नाव को चलाने में लगे हुए हैं, उस जगह पर जी पहले ही दरिया का पानी सूख गया है, अब उन्हें समंदर की जरूरत है और समंदर हमारे पास है। अगर वह चाहें तो समंदर में आ सकते हैं, हम उनका इंतजार करेंगे, हम उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। तो अब मुकेश सहनी को लेकर के मचे विवाद के बीच में एक बार फिर से बवाल मचा है। उन्होंने साफ तौर पे तमाम आरजेडी के नेताओं ने यह कहना शुरू किया है कि मुकेश सहनी के द्वारा दिया गया बयान से सिर्फ एक मजाक और चुटकुला बनकर ही रह सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी की इतनी बड़ी ताकत कहाँ कि वह बिहार के इस बड़े सियासी पाले में अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। कोई चार सीटें जीतने से मुख्यमंत्री अगर बन सकता है तो आज दूसरे नंबर की सबसे पहले नंबर की पार्टी आरजेडी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही है, ये बड़ा सवाल उठा। तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। वो मुकेश सहनी को साथ लाने वाले बात पर भी यह सहमत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे आने वाले वक्त में अपने आप को और ज्यादा स्ट्रीट और टाइल्स कर चुनाव को जीतना चाहते हैं, ना कि किसी के साथ गठबंधन कर वह सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातों पर पर्दाफाश हो गया है। बड़ी खबर थी, आप कहते हैं।